कर्मचारियों के योग्यता के चार स्तर, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कोई भी कर्मचारी हमारे यहां जो काम करता है, तो वो चार स्तर में से कोई भी एक स्तर में हो सकता है, और उसकी योग्यता वो चार स्तर में से एक स्तर में रहती है। अब ये चार स्तर कौन से हैं वो हम देखते हैं। हो सकता है कि जब वो शुरू में आता है अपने यहाँ कर्मचारी कोई भी काम को लगता है, तो पहली स्टेज में या पहले स्तर पे वो रहता है, और वो है अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। मतलब अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट है, मतलब वो जानता नहीं है कि उसे वो आता नहीं है, या वो जानता नहीं है कि उसको वो जानता नहीं है। मतलब ही डजंट नो दैट ही डजंट नो। उसको मालूम ही नहीं कि क्या करना है, और उसको ये मालूम नहीं है कि ये उसको मालूम नहीं कि क्या करना है। एकदम नया रहता है, नया नया है, कैसी कंपनी चलती मालूम नहीं, रिसेंटली रिक्रूटेड, लोगों को देखते रहता है वो, लोग कैसे काम करते हैं, और इन जनरल उसको थियोरेटिकल मालूम है, मगर प्रैक्टिकली उसको मालूम नहीं कि कैसा करना है। उसको ये मालूम नहीं है कि अपने को मालूम नहीं, उसको लगता है कि अपने को सब मालूम है। एक्चुअली उसको मालूम नहीं रहता कि उसको मालूम ही नहीं, तो ही इज अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। फिर दूसरा स्तर है कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट, मतलब वो जानता है कि वो क्या जानता नहीं है, उसको मालूम है कि क्या क्या उसको मालूम नहीं है। और फिर वो क्या करता है कि ये स्टेज में वो सीखने की कोशिश करता है, लोगों को पूछता है, बाकी जो पुराने लोग हैं उनको पूछता है कि मैंने कैसा काम करना चाहिए, और वो कॉन्शियस रहता है, उसको मालूम है कि मुझे इतनी इतनी चीज़ें मालूम नहीं और मुझे वो सीखनी पड़ेगी, और वो लोगों से सीखते रहता है। एंड इज कॉन्शियस दैट इज इनकॉम्पिटेंट, मतलब उसके पास में उतनी कला नहीं है, उसके पास में उतना स्किल नहीं है, उसके पास में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ये वो जानता है। पहले स्टेज में वो जानता ही नहीं था कि उसके पास में है या नहीं है, अभी वो जानता है कि उसके पास में नहीं है, ये दूसरी दूसरी स्टेज। फिर जैसा जैसे टाइम जाते रहता है, टाइम जाता है, तो वो तीसरे स्तर पे आता है, और वो है कि ही इज कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट, मतलब वो जानता है कि वो जानता है और वो कर सकता है, वो जानता है कि वो जानता है और वो कर सकता है। उसको मालूम है कि क्या क्या करना चाहिए, उसको मालूम है कि वो कैसे करना चाहिए, और वो काम करते रहता है। मगर वो यदि प्रतिबद्ध नहीं है, कमिटेड नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है। जैसा मैंने पहले कुछ वीडियो में बताया गया है कि वो एक चैलेंजर है। फिर वो मालूम है उसको क्या करना, उसके पास में कैपेबिलिटी है, उसके पास में एबिलिटी है, उसको जानता है कि क्या करना है, कैसे करना है वो जानता है, तो इज कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। वो जानता है, वो होश में है, और उसको मालूम है क्या करना है, अभी तो उसने करना ही चाहिए, और वो तभी भी नहीं करता है तो प्रॉब्लम है। चौथी स्टेज जो है वो है अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। इसका मतलब यह है कि उसके पास में इतनी कला डेवलप हुई है, इतनी एबिलिटी डेवलप हुई है, इतनी क्षमता है कि वो नेचुरली कर सकता है, वो इसका एक पार्ट बन गया, अहम बन गया उसका एक अहम पार्ट, कि वो नेचुरली कर देता है। वो इतना वो उसमें मास्टरी हो जाती है उसकी कि उसको वो काम करना यानी बहुत बाहत का खेल हो जाता है, और वो फटाक से कर देगा कंपनी में, कि दे आर अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। उनको मालूम ही नहीं वो ऑटोमेटिक कर रहे हैं, मतलब इतनी प्रैक्टिस हुई है उनको, इतनी प्रैक्टिस हुई, उन्होंने इतनी क्षमता डेवलप किया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ तक हमको लोगों को लेके जाने का है। तो ये लोग कमिटेड भी है, और ये कमिटमेंट भी रहते हैं, इनका कमिटमेंट है, अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट है, ये कमिटेड है, तो ये स्टार परफॉर्मर हो सकते हैं, और वो कंपनी को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो इनका देखना है हम लोगों को कि कमिटमेंट है क्या, इनके पास में एबिलिटी है, क्षमता है, कौशल्य है, उनको मालूम है कि कौन सा काम करना है, और वो करते भी है। अब उनके पास में समर्पित भावना है क्या, समर्पण की भावना है क्या कंपनी की तरफ, और वो यदि है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये चार स्तर पर हमारे एम्प्लॉय रहते हैं, हमको देखना है कि कौन से स्तर पर है। यदि हम यूजुअली हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, लोग हेलीकॉप्टर लैंडिंग बोलते हैं उसको, कि डायरेक्टली आदमी बाहर से लाया, उसको बॉस बना दिया, एकदम कॉम्पिटेंट है वो, उसको मालूम है, पहले उसने काफ़ी सालों अपने जैसे कंपनी में काम किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यदि वो नया आदमी आता है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो स्टेज में से स्टेप बाय स्टेप ये स्तर पे से ऊपर ऊपर जाते रहता है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि लोग सुनते नहीं है, तो इसलिए यूजुअली नीचे से हम ऊपर तक लाएंगे और अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट उसको बना देंगे, तो बहुत अच्छा होता है, कंपनी के लिए अच्छा है और अपने लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सभी बिजनेसमैन को शेयर करो, ताकि उनको उनके कंपनी में असेसमेंट में अच्छा रहेगा, वो अपने कंपनियों में जो अपने कर्मचारी उनका असेसमेंट करेंगे कौन से स्टेज पे है, उनको आगे की स्टेज पे
लेके जाने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे। हमारा वीडियो है ऐसे इसके बारे में कि कर्मचारी कैसे है, किस तरह के कर्मचारी होते हैं, तो वो भी वीडियो इसके पहले मैंने कुछ वीडियो पे डाला हुआ है, तो वो भी आप देख लो। हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में ऐप है, चैटिंग कर सकते हैं। और आपको बाकी कोई भी सवाल होंगे तो नीचे नंबर दिए है, वहाँ आप कॉन्टैक्ट करी और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। आपको मानसिक बीमारी के बारे में, सेक्स सॉल्यूशन, डी एडिक्शन, ऑनलाइन कंसल्टेशन उपलब्ध है। आप ये वीडियो शेयर करेंगे, हमारे साथ में रहेंगे, तो हमारा जो मकसद है, मिशन है, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।